विक्रम पटेल को जिला पंचायत क्षेत्र झोपाली क्रमांक 9 का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने पर माननीय विधायक ग्यारसीलाल रावत का आभार। इस वक्त आगजनी की दो अलग अलग खबरें आ रही है, जहां बड़वानी जिले के बरू फाटक में एक कंटेनर में आग लगी है, वहीं धार जिले के पीथमपुर में एक फैक्ट्री में आग लगी है। सबसे पहले हम बरू फाटक चलते हैं, जहां टीना मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जहां पर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर में आग लगी है और इस हादसे में ट्रक का जो चालक है वो भी झुलसा है। टीना जी, आप इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी जय जी, बरू फाटक में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पप्पू ढाबे के सामने कंटेनर में अचानक आग लग गई है। आग लगने से जहां ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया है, वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाए जाने के लिए अलग अलग प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं डायल 100 सूचना के बाद मौके पर पहुंची और उसके आरक्षक द्वारा धामनोद अंजर राजपुर सेंधवा में अग्निशामकों के लिए सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई अग्निशामक मौके पर नहीं पहुंचा है। वहीं मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को डायवर्ट किया गया है। गाड़ी के ड्राइवर अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, जिसके चलते बैटरी फटी, ट्रक चालक को कुछ गड़बड़ की आशंका हुई। इसके द्वारा जैसे ही गाड़ी रोकी गई, बैटरी के स्थान पर चेक करने लगा, उस वक्त ये आग लगी और ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ है। फिलहाल मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। वही बता रहे कि कंटेनर में पीछे की और भी स्कॉर्पियो कार भरी हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा टीना मित्तल ने हमें बताया कि कंटेनर में जहां स्कॉर्पियो कार भरी हुई है, वहीं अभी भी आग लगी है, अग्निशामक मौके पर नहीं पहुंचे, ये बेहद चिंता वाली बात है। अब हम पीथमपुर चलते हैं, जहां कामिल मेहर हमारे साथ है। यहां पर सेक्टर 3 में लायड इंश्योरेंस फैक्ट्री में आग लगी है, आग लगने का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कामिल जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं, ये पीथमपुर के सेक्टर 3 में स्थित लाइट इंसुलेशन कंपनी है, जहां पर चद्दर बनाई जाती है। आज सुबह जो है अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही कंपनी प्रबंधक का इस पूरे मामले पर कहना है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है। दो दमकल की गाड़ियों की मदद से जो है आग को किसी तरह काबू की गई है। घंटों की मशक्कत के बाद फिलहाल जो है जनहानि नहीं हुई है और नुकसान का आकलन जो है फिलहाल हो नहीं पाया है। जी, पीथमपुर में नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन सबसे राहत वाली बात है यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कामिल मेहर जी।